हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेथड में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने घर के लिए घर पे सब्जियां कैसे उगाई हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बैंगन का प्लांट्स लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हो। बैंगन भी लगा हुआ है इस पर और फ्रूट भी आ रहे हैं इस पर नए नए काफ़ी। तो जी मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैंने ये लगाया किस चीज़ में लगाया। ये जो हमारा था जो मोप होता है, जो पोचा होता है स्टैंडिंग वाला, उस पर से ख़राब हो गया था मेरे पास, ठीक नहीं था। तो ये वाला मैंने प्लांट्स उसमें ही लगाया है। ये देखिए, ये तेल की कैनी में मैंने लगाया है, तेल किया है, यहाँ से कट कर दिया था, आप देख पा रहे हैं। जहाँ से मैंने कट कर दिया सिंपल तरीके से कट करके, आप देख पा रहे हो कट कर दिया था। तो इसमें ही मैंने ये बैंगन का एक और देखिए प्लांट लगाया हुआ, देखिए फ्लावर इस पर आने, इस पर भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ऐसे लगाने में हमारे तो घर पे जो तेल वगैरह वो तो रिफाइंड होता है, वो तो आता ही रहता है, तो वो खाली हो जाए तो उसको फेंकने की बजाय आप इस पर सब्जी जरूर ग्रो करें। जो है इसमें नीचे से शेक कर लें, शेक करने के बाद उसके छोटा सा कुछ भी या पत्थर वगैरह कुछ रख लें और सूखी थोड़ी सी घास उसमें डाल के फिर मिट्टी डालें। ये देखिए मैंने ये जो था इसमें भी ये एक घिया की बेल लगाई है। तो ये एक मेरा बैंगन का, ये बैंगन का है मेरा, देखिए इसमें भी मैंने तीन सब्जियां ले रही हूँ। एक तो घिया की लगा दी अभी, तो ये बैंगन की है, जो बैंगन मेरे चल रहा है। तो नीचे इसके देखिए आप, मैंने पालक भी लगाई हुई है, ये देखिए पालक भी ग्रो हो गई है। हमारा छोटा सा तो पोट था उसमें मैंने तीन सब्जियां कर दी हैं। जो घी की बेल थी वो मैंने आपको बताऊं, जहाँ से मैंने कट कर दी थी, जहाँ से अब दो ब्रांचें इसमें नहीं निकल रही हैं, क्योंकि इसको अभी लगाया था, 10 दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, तो इससे कट कर दिया और नई अभी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें से छोटे से बोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने तीन सब्जियों का काम लिया है। ये टमाटर का है जो खुद ही ग्रो किया है, छोटा अभी, जब बड़ा होगा इसकी वीडियो मैं डालूँगी। ये तो बीज से मैंने कर लिया था ग्रो, इसका तो बीज ही था मेरे पास, तो बीज से मैंने किया। ये पालक थी, ये हमारा ऐसा तो जो होता है सामान वो घर पे तो वैसे ही पड़ा रहता है जो हम फेंक देते हैं। इस पर मैंने सब्जियां लगाई, मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद कोई एक्स्ट्रा जैसे खाद या कुछ भी ऐसा मैंने तो डाला नहीं है। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में यही बताती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा खाद वगैरह ज़्यादा तो कुछ डालती नहीं हूँ इसमें, बस यही मैं डालती हूँ कि सब्जियों का जो वेस्टेज होता है वो डालती हूँ। जैसे सब्जियों का डायरेक्ट से वेस्टेज ही मैं डालती, क्योंकि उससे होता है कभी कभी हमारे स्मेल वगैरह या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो हमारे तो आएगी, जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं उनको भी हमारी वो स्मेल डिस्टर्ब करेगी। तो मैं सब्जियों का जो भी फोकट होता है उसमें पानी में डालकर एक साइड को रख देती हूँ बालकोनी में, और 24 घंटे के बाद वही उसमें से निकाल के वेस्टेज, तो जो पानी होता है वो मैं अपनी सब्जियों को देती हूँ। ये हमारी जो बहुत अच्छी खाद होती है हमारे लिए सबसे, ये देखें इसे हमारी सब्जी, मेरी सब्जी तो बहुत ग्रो करे। अगर आप भी एक बार इसमें करें तो आपकी ज़रूर सब्जी वो ग्रो करेगी, क्योंकि आप ऐसे प्लास्टिक कुछ फेंके नहीं, बस उसमें शेयर कर लें और सिंपल मिट्टी डाल दें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा से कुछ हो रही है तो ऐसे कंपोज में ज़्यादा करती नहीं हूँ, बस यही करती हूँ, जो सिंपल मिट्टी होती है वो ही लेती हूँ, उससे मेरी सब्जी जो वो बहुत अच्छी हो जाती है। देख पा रहे हैं मेरी सब्जी कितनी अच्छी हो रही। और एक जे मैं बास्केट आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए मैंने बास्केट मेरे पास थी, ये देख पा रहे हो आप, बास्केट थी मेरे पास ऐसी,
ये भी ख़राब हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ ये भी ख़राब हो गई थी जहाँ से टूट गई थी। ये देखिए जहाँ से सारी ख़राब हो गई, ये जूझ नहीं मेरी हो पा रही थी। तो इसमें भी मैंने, आप देख पा रहे हो कि मेथी लगाई हुई, मेथी लगा दी इसमें भी, देख पा रहे हो। तो देखिए मेथी मेरी कितनी अच्छी सी मेथी मेरी चल रही है इसमें भी। अभी मेथी का 10 दिन का ये अवस्था, 10 दिन में इतनी संघनी और अच्छी हो गई है मेथी। तो आपके पास ये अगर ऐसा कुछ सामान पड़ा तो जो लगाएं, क्योंकि अब सर्दियों के लिए तो मेथी पालक तो हमेशा डेली, जैसे बोल सकते हो कि डेली हमें चाहिए होता है। तो हम ज़रूर, आप कोई भी ऐसा सामान पड़ा उसको फेंकने की बजाय, मैं तुझे हर वीडियो में बोलती हूँ कि उसको फेंकने की बजाय आप अपने घर के लिए सब्ज़ी ज़रूर ग्रो करें, सब्ज़ी हमें घर पे अच्छी मिल जाएगी। तो जिनके पास तो देखिए नीचे है गार्डन, उसका तो आसानी हो जाती है, लेकिन जिनके नहीं है वो हम अपने छत पे रख लें, छत पे ना जहाँ धूप आती हो वहाँ पर ज़रूर रखें, क्योंकि इन सब्ज़ियों के लिए हमें धूप बहुत चाहिए होती है। धूप मेन चीज़ है जो हमें सब्जियों के पौधों के लिए चाहिए। तो ये चीज़ है सब्जियों के लिए, तो वो जो पानी होता है वेस्टेज का वो ही डालें, उससे आपकी सब्जी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रो करेगी। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च भी लगाई हुई थी, शिमला मिर्च तो मैंने वैसे काफ़ी यूज़ कर ली, अब से पौधा खराब हो, अभी ना ही मैं लगाऊँगी इसे अभी। तो देखिए फिर भी शिमला मिर्च थोड़ी लग आ रही है, वैसे मेरा तो घर के चल रहा है इससे, शिमला मिर्च का भी मेरा चल रहा है, आप देख पा रहे हो। देखिए शिमला मिर्च अभी भी है, क्योंकि ये इसको हो गया टाइम, अभी इसमें नवे मैं लगाऊंगी दोबारा से। तो फिर भी शिमला मिर्च आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी है, बस यही मेरा सिंपल सब्जी उगाने का जो है वही है। तो मुझे किचन के लिए सब्ज़ी बहुत आ जाती है, तो मैंने तो ये सब ऐसे पॉट्स वगैरह छत पर ही रखे हुए हैं। इसे देखिए मेरा फ्लावर भी एक है, फ्लावर्स कितना अच्छा फ्लावर है मेरा ये, वो ये मैं ज़्यादा मेहनत तो इतना करती नहीं कि सारा दिन इसमें ही लगी रहती हूँ, थोड़े टाइम के लिए बस करती हूँ, बस जो आपको बहुत आसान सा मैंने तरीका आता है वही यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं करती। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें शेयर लाइक ज़रूर करें, मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक यू वेरी मच।